एवरीबॉडी मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भववा स्टडी सेंटर गैज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन एलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का ट्वेंटी uh, टू लेक्चर बाईसवाँ लेक्चर है गैज uh, इससे पहले जो मतलब लाइक लास्ट लेक्चर था उसमें हम फ्री फॉल के लिए कुछ Uh, के अंडर प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ क्वेश्चन थे हम उसको सॉल्व कर रहे थे और बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था लाइक like, जो तीन इक्वेशन हैं लाइक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस आई होप आप ये माइनस क्यों लगाया गया है यहाँ पर एस क्या है ये आप जानते होंगे देन वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी एंड देन एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो ये जो तीन इक्वेशन हैं हमने इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को समझने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी और इससे पहले लाइक like, इन तीन इक्वेशन को ये तीन इक्वेशन आए कैसे हैं उनका जो बेसिक डेरिवेशन मेथड है एरिया के थ्रू ओके लाइक अगर कांस्टेंट एक्सेशन का कंडीशन हो तो कैसे आएंगे उस चीज़ का हमने प्रैक्टिस किया था और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अप्लाई कब होंगे वेन टू अप्लाई वेन टू यूज दिस इक्वेशन हम इन इक्वेशन का कब यूज करेंगे हम कब यूज करेंगे वेन एक्सलेशन इज कॉन्स्टेंट ओके अगर एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन तब हम इसका क्या करेंगे यूज करेंगे ओके okay, तब हम जाकर इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे अदरवाइज हमें जो हमारा जो बेसिक मेथड है एरिया के थ्रू कैलकुलेट uh, करने का हम उसी के थ्रू एरिया के थ्रू एरिया कैलकुलेट करने के लिए यू में यूज इंटीग्रेशन एंड स्लोप के लिए आप डिफ्रेंशिएशन के यूज कर सकते हैं ओके okay. चलो <coughs> तो देखो क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन सिटिंग ऑन द ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ वन सेकेंड फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल वेन सिक्स बॉल इज बिंग ड्रॉप्ड टेक जी इज इक्वल टू टू सेकेंड ओके चलो गई देखो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे लेटर से जूम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर जो पर्सन है पर्सन ने फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया तो ये ये देखो ये फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट बॉल ये ऐसे यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देगा ओके टाइम टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पे, इसने सेकेंड बॉल को ड्रॉप किया टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड थर्ड बॉल ड्रॉप किया जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पे फोर्थ बॉल टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टी इज इक्वल टू फिफ्थ सेकेंड पे फिफ्थ बॉल ओके टाइम टी सॉरी टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे थर्ड बॉल टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड पे फोर्थ बॉल टाइम टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड पे उल्टा कर दिया क्या मैं hmm. हा फिफ्थ बॉल और टाइम टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड पे ये कौन सा बॉल होगा टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड पे हमारा सिक्स बॉल जो है वो ड्रॉप किया ओके तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी चलो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू Uh, जब ये सिक्स बॉल को ड्रॉप किया जा रहा था तो आपको थर्ड बॉल की फोर्थ बॉल की एंड फिफ्थ बॉल की पोजीशन बताइए मतलब कहां कहां होगी ओके थर्ड बॉल फिफ्थ बॉल सिक्स बॉल तो देखो जो जो सिक्स बॉल है वो टाइम टी इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड पे ड्रॉप किया गया होगा टाइम टी इज इक्ल टू फाइव सेकेंड और जो तुमको Uh, जो थर्ड बॉल है वो टाइम टी इज टू टू सेकंड पे ड्रॉप किया गया था ओके टाइम टी टू टू सेकेंड पे तो गाइज देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लाइक like, मतलब टाइम जो थर्ड बॉल है टाइम फॉर ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेवल फोर थर्ड बॉल जो थर्ड बॉल है वो कितने देर तक ट्रेवल किया भाई वो ट्रैवल किया थ्री सेकंड तक ट्रेवल किया आई होप को कोई दिक्कत नहीं होगा एंड देन सिमिलरली जो फोर्थ बॉल है टाइम ऑफ ट्रैवल फॉर फोर्थ बॉल वो कितना था भाई टू सेकेंड के लिए होगा एंड टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर फिफ्थ बॉल कितना देर तक ट्रेवल करेगा भाई तो वन सेकेंड तक आई होप आपको कोई मतलब एक ये, ये जो थर्ड बॉल वो तीन सेकेंड तक ट्रेवल करेगा ये जो सेकेंड बॉल है वो दो सेकंड तक ट्रेवल करेगा और ये वाला जो बॉल है वो तुमको कितना ट्रेवल करेगा आ, वन सेकेंड तक तो एक काम करते हैं देखो इस क्वेश्चन में लाइक हम लोग ना ये अर्थ है लेटर सजूम यह क्या है ये अर्थ है देखो अब इस क्वेश्चन को लाइक इसको बढ़िया से करने के दो तरीके हैं अब मैं ओरिजिन जो है यहां पर ले लू मैं ओरिजिन कहां पर ले लू इस जगह पे समझ लो ये ओरिजिन जो है मैं यहां पर ले लू और मैं ये लिखूं कि दिस इज द इनिशियल पोजिशन लेटर सजूम इनिशियल पोजिशन इज एच ओके इनिशियल पोजिशन क्या है वो है एच है इनिशियल पोजिशन इज बेसिकली एच ओके और उसके बाद फिर लाइक फिर कुछ देर बाद जब मान लो ये थर्ड बॉल कहीं यहाँ पर रहता है तो उसका पोजीशन फिर मतलब इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं या दूसरा जो तरीका क्या है कि हम अपना जो ओरिजिन है ना वो ओरिजिन यहाँ ले लेते हैं ओरिजिन क्या कर लेते हैं यहाँ पे और ये डिस्टेंस हम लोग बार बार निकालते हैं कितना नीचे गया वो नेगेटिव आएगा समझ रहे हो अगर मैं नीचे को मैं नेगेटिव लेता हूँ तो इट विल कम नेगेटिव तो देखो हम इस को हम नहीं करेंगे इस वाले मेथड से वी डू नॉट वांट टू कैलकुलेट ओके हम इस मेथड से नहीं करना चाहते हम बेसिकली ये वाले मेथड से करना चाहते हैं बेसिकली डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट दे देगा ओके okay, वहाँ पर फिर सब्ट करो फिर ये करो और ये बेसिकली इसमें क्या पूछा गया पोजिशन पूछा गया है फाइंड द पोजिशन ऑफ द ठीक ना तो अगेन मतलब लाइक like, अगर पोजिशन हमें यहाँ से बताना ईजी रहेगा यहाँ के बताने के कंपेरिजन में हम हम यहां से डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं एग्जैक्ट पोजिशन तो मुश्किल समझ रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बेसिकली इस चीज को लाइक like, हम यहां से यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही पोजीशन होगा ओके चलो तो देखो अगर मैं थर्ड बॉल के लिए करूं थर्ड बॉल थर्ड बॉल जो है कितना देर तक ट्रेवल किया तो वो तीन सेकेंड तक ट्रेवल किया देखो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो ओके डिस्प्लेसमेंट ऑफ अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई जीरो है ओके okay, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं हम, this is the zero. है लेटर दिस इज अ जीरो जीरो यह क्या है है तो कितना होगा भाई वन बाई टू जी के वैल्यू टेन ले लें थ्री का स्क्वायर दैट इज फाइव इंटू नाइन मतलब फोर्टी फाइव मीटर तो थर्ड बॉल किधर होगा भाई यहां से लेकर के ये वाला जो लेंथ होगा थर्ड बॉल के लिए दिस इज द फोर्टी फाइव मीटर ओके सिमिलरली जो फोर्थ बॉल होगा ओके उसके लिए क्या होगा भाई तो वन बाई टू ये माइनस में आएगा समझ रहे तो डाउनवर्ड है इसीलिए माइनस टेन इंटू टू का स्क्वायर दैट इज माइनस ट्वेंटी तो देखो ये यहां पर थर्ड बॉल होगा थर्ड बॉल इस जगह पर लेटर ये क्या है माइनस ट्वेंटी है तो ये वाला जो लेंथ है दिस लेंथ यह क्या होगा माइनस ट्वेंटी दिस द फोर्थ बॉल के लिए होगा समझ रहे हो फिफ्थ बॉल कहाँ होगा फिफ्थ बॉल तो माइनस वन बाई टू इंटू टेन इंटू वन डेट इज माइनस फाइव मीटर ओके तो फिफ्थ बॉल किधर होगा भाई तो फिफ्थ बॉल जो होगा हमारा कहीं यहां पर होगा फिफ्थ बॉल और वो होगा माइनस फाइव मीटर ये ये जो लेंथ होगा दिस लेंथ इज बेसिकली फाइव मीटर ओके तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है गाइज आपको बेसिकली आप इस तरीके से लिख लोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब टाइम उनको लेकर के ईजी रहेगा कैलकुलेट करने में ओके आ, चलो गाइज आई होप आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो खुद से बहुत सिंपल क्वेश्चन है चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ स्मॉल पैराशूट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ फ्रॉम अ थर्टी मीटर हाइट क्लीफ फॉल फ्रियली अंडर ग्रेविटी फॉर वन सेकेंड देन अटेन अ टर्मिनल वोसिटी टू पॉइंट वन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड लेटर ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द क्लीफ विल द स्टोन कैच अप विद द पैराशूट बिफोर इट रिचेज द ग्राउंड चलो इस चीज को हम जरा लाइक uh, like, समझने की कोशिश करते हैं एक स्मॉल पैराशूट है और इसको जो है ड्रॉप किया जाता है थर्टी मीटर की हाइट से ओके थर्टी मीटर हाइट क्लिफ से मतलब हाइट से क्लिफ मतलब जस्ट टॉवर समझ लो कुछ नहीं होता तो थर्टी मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है और यह एक सेकेंड के लिए अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल आता है फॉल फ्रियली अंडर द ग्रेविटी फॉर वन सेकेंड और एक सेकेंड बाद वह टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है सडनली उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो क्या होती है आपकी 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ओके okay. उसके बाद फिर क्या होता है 20 सेकेंड बाद 20 सेकेंड लेटर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द क्लिप 20 सेकेंड बाद आपको एक स्टोन जो है ड्रॉप की ड्रॉप होता है कहां से क्लिप से विल द स्टोन कैच अप द पैरासूट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड तो बोल रहा है कि जो स्टोन जो मतलब लाइक गिर रहा है क्लिप से क्या वो पैरासूट से पहले ग्राउंड पर पहुंच जाएगा समझ रहे हो चलो तो देखो इसमें हम जा इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें कितनी चीजें हो रही हैं जैसे हम इसको जा समझने की कोशिश करते हैं इसमें कितनी सारी चीजें हो रही हैं लाइक जैसे देखो ये एक क्लिप है मैं एक क्लिप बना देता हूं टावर बना देता हूँ अब इस क्लिप से एक बेसिकली पैरासूट ऐसे ड्रॉप किया जाता है रुक जाओ ये पैरासूट छतरी टाइप का बना देते हैं ओके दिस इज द पैरासूट या पैरासूट जो है ड्रॉप हो रहा है और ये जो हाइट है यहां पर ये ये जो हाइट है दिस हाइट इज बेसिकली थर्टी मीटर ये वाला जो लेंथ है यह थर्टी मीटर अब ये जो पैरासूट है वो एक सेकेंड तक एक सेकेंड तक फ्री फॉल फ्री फॉल होता है एक सेकेंड के बाद आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड यह इसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है फिर क्या होता है अब अब देखो 1.2 पॉइंट सेकेंड से वो नीचे गिरता रहता है समझ रहे कुछ टाइम बाद एक सेकेंड बाद लाइक यही पैरासूट ये जो पैरासूट है वो लगता है नीचे आने और कि, कितने की स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आने लगता है आफ्टर वन सेकंड ओके यहां से इतना दूर आने में एक सेकंड लगता है इसको अब अब इसके बाद फिर क्या होता है कि बीस सेकंड बाद आफ्टर बीस सेकंड यहां से एक स्टोन गिराया जाता है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या स्टोन जो है वो पैराशूट को कैच कर लेगा या, या मतलब पैरा पैराशूट के साथ गिरेगा या पैराशूट के पहले ही गिर जाएगा समझ रहे हो चलो तो एक काम करते हैं लाइक देखो आई होप आपको इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे देखो सबसे पहले क्या लगता है सबसे पहले क्या होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं लाइक पैराशूट को यहां तक पहुंचने में यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है समझ रहे हो पैराशूट को इस जगह से लेकर के यहां तक आने में कितना टाइम लगता है और पैराशूट कितने देर के लिए आ, फ्री फॉल के कंडीशन में रहता है वन सेकेंड ये टोटल हाइट क्या है थर्टी मीटर तो देखो मैं लिखता हूं टाइम टेकन बाय पैराशूट टू रीच द ग्राउंड तो हम क्या समझते हैं हम इसमें दो टाइप का डिस्टेंस कर देते हैं एक डिस्टेंस है वो क्या है लेटस्ट डी वन अंडर द फ्री फॉल कंडीशन और दूसरा डी टू तो डी वन अब मान लो डी वन के पहुंचने में एक सेकेंड लगेगा और डी टू के लिए हमें निकालना है तो एक काम करता हूं मैं डी वन की फाइंड करने की कोशिश करता हूँ ये डी वन वाला ये यहां पर डी वन का जो लेंथ है ना ये, ये जो डी वन लेंथ है ये कितना होगा ये डी वन हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं आई होप गाइज आप ये यहाँ पर ये जो लेंथ d1 है आप इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे सो so, d1 वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्री फॉल कंडीशन में है सो so, मैं माइनस साइन लगा दिया हाफ जी टी स्क्वायर मैं यहीं पर अपना रिफरेंस ले लेता हूँ ओके हाफ जी टी स्क्वायर सो g 10 हो गया इन टू टी वन क्या स्क्वायर तो यह कितना हो जाएगा भाई माइनस फाइव मीटर तो ये वाला जो लेंथ है गाइज यहाँ पर यह जो लेंथ है यह जो लेंथ है दिस इज फाइव मीटर अब अब कितना बचा सो so, ये वाला लेंथ कितना होगा भाई दिस लेंथ इज बेसिकली ट्वेंटी फाइव मीटर समझ रहे हो ये जो लेंथ है ये यहां से ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की दैट इज ट्वेंटी फाइव मीटर आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये ये वाली लेंथ फाइव मीटर होगी यहां से ये वाली लेंथ फाइव मीटर और ये वाली ट्वेंटी फाइव मीटर सो ट्वेंटी फाइव मीटर को कवर करने में कितना सेकंड लगेगा देखो ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टी सो वॉट इज द टी हियर टू पॉइंट फाइव सॉरी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट टू यह क्या आएगा भाई ये आएगा हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री सेकेंड समझ रहे हो ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री सेकेंड तो देखो जो टोटल टाइम हुआ टोटल टाइम टोटल टाइम टेक बाई पैरासूट टू रीच द ग्राउंड वो कितना होगा भाई यह होगा हमारा ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री और प्लस वन डेट इज द ट्वेंटी वन पॉइंट एट थ्री सेकेंड समझ रहे हो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब देखो अब ये अगर लेटर जो मेरा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे होता है तो यहाँ पर लाइक ट्वेंटी वन पॉइंट एट थ्री सेकेंड में पैराशूट यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ से यहाँ से लाइक ट्वेंटी सेकेंड बाद ट्वेंटी सेकेंड पे यहाँ से ट्वेंटी सेकेंड पे क्या क्या होता है भाई ट्वेंटी सेकेंड पे एक स्टोन गिराया जाता है तो भाई स्टोन कितने देर तक ट्रेवल करेगा वन पॉइंट एट थ्री सेकेंड पे समझ रहे हो ट्वेंटी पॉइंट वन पॉइंट स्टोन बस इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा तब तक स्टोन के स्टोन को मतलब फ्लाइट के लिए टाइम कितना बचा कितने देर तक फ्लाइट करेगा स्टोन कितने देर तक हवा में रहेगा पैराशूट के साथ तो वनली फॉर वन पॉइंट एट थ्री सेकेंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी ओके okay, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है आ, आप मेरा सजेशन आप इसको करो खुद से करो चलो गैज आप इस क्वेश्चन को आप अपने लाइक कॉपी में नोट कर लो और इसको सॉल्व खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे आ, और जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपको लिखना कैसे है लाइक आंसर एलेवन इज इक्वल टू तो इस तरीके से कमेंट करो आंसर को अपने ओके okay. देखो क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि बलून इज गोइंग अप विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इट वॉज एट हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर फ्रॉम ग्राउंड वेन अ स्टोन इज ड्रॉफ्ट फ्रॉम इट्स बास्केट फाइंड द टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड वेन स्टोन हिट द ग्राउंड हिट द ग्राउंड चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं बलून इज गोइंग अप विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड यहां पर एक बलून है ओके okay, चलो मैं बलून बना लेता हूँ एक ये बलून है अब ये जो बलून है यह अपवर्ड मूव कर रहा है समझ लो बलून है यह मूव कर रहा है, और कितने स्पीड से, सेकंड की स्पीड से यह अपवर्ड मूव कर रहा है अब देखो अब ये क्या करता है अब लाइक यह ग्राउंड से ऊपर की तरफ लगता है मूव करने और यह से ग्राउंड से लेटर जूम कि कुछ एक काम करते हैं मैं ग्राउंड की जगह चेंज करता हूं थोड़ी सी लाइक ग्राउंड इसको ग्राउंड पकड़ लो ओके तो जब यहां से ये जो ग्राउंड से ये जो हाइट है लेटर ऑफ जून या हाइट जो हंड्रेड मीटर की होती है ये जो हाइट है अगर ये हाइट जब हंड्रेड मीटर की होती है तो होता क्या है कि इस बलून से एक स्टोन जो है गिर जाता है ठीक इस यहां से एक क्या करता है यहां से एक स्टोन जो है गिरता है तो अब बताना क्या है क्वेश्चन क्या है कि फाइंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच द ग्राउंड जो स्टोन है वो कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे गिरने में मतलब ग्राउंड पे आने में स्टोन को कितना टाइम लगेगा ये बताना है तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा लाइक like, जब देखो पहला क्वेश्चन क्या है स्पीड ऑफ स्टोन वेन फ्रॉम बलून जब यह बलून से स्टोन गिरता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है आज मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं ऑप्शन देता हूं ए स्पीड क्या है जीरो स्पीड ट्वेंटी सी न तो आप मेरे को बताओ इन मतलब जब बलून से जब बलून से ये जो स्टोन है दिस इज द स्टोन या जब गिरेगा तो स्पीड क्या होगी स्टोन की अच्छा एक चीज बताओ लाइक अगर आप मान लो गाड़ी पे जा रहे हो मान लो आप गाड़ी पे बैठे हो चलो ये मैं आपकी आपके लिए एक बाइक बना देता हूं ओके ओके ठीक तो अगर आप इस बाइक पे बैठे हो बाइक की स्पीड जो है वो लेटेस्ट एज्यूम हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है बहुत ज्यादा हो गया ना चलो सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर है समझ रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी अगर बाइक जो है सेवेंटी टू किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो आपकी स्पीड क्या होगी आप अगर इस बाइक पर बैठे हो तो आपकी भी स्पीड जो होगी वो 72 किलोमीटर पर आवर की होगी और आपका स्पीड का आपकी भिलोस्टी का डायरेक्शन किधर होगा अगर बाइक जो है इधर जा रही है तो आप भी इधर ही मूव करोगे 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ ये जो स्टोन है ये किससे फॉल हुआ बलून से लेकिन फॉल होने से जस्ट पहले वो किस में था बलून में था तो अब जब जब जब, जब ये स्टोन बलून में था तो उसकी स्पीड क्या होगी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एक्शन में ट्वेंटी स्टोन जो ब, जो बलून जो स्टोन की जो स्पीड होगी वो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एक्शन में होगी जब फॉल होगा जब यहां से जब ये निकलेगा तब भी इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन समझ रहे हो तो स्पीड नहीं मैं वेलोसिटी बोल देता हूं इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एक्शन तो दिस इज द ट्रिक यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है समझ रहे हो तो लेटर से जूम लाइक ये जो है ये वाला जो पार्ट है दिस इज द हंड्रेड मीटर ओके तो इस टाइम पे इस, इस पे लाइक जो स्टोन है स्टोन की वेलोसिटी अपवर्ड है कितनी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड की तो ये जो स्टोन है वो किधर जाएगा ये स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ हाइट जाने के बाद में फिर ये लगेगा रिटर्न होने समझ हो, फिर ये क्या लगेगा होने रिटर्न होने आई होप आपको एक चीज को समझाना है कि जब स्टोन जो है वेन स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम इट्स इस बास्केट जब स्टोन जो है बास्केट से गिरेगा एट मोमेंट ऑफ टाइम द ऑफ़ स्टोन इज़ 20 मीटर पर इन डायरेक्शन इसको आपको खुद को समझाना है अब जैसे भी समझाओ आप या तो इस बाइक को लेकर के समझाओ चाहे आप जैसे भी समझाओ दिस इज गोइंग टू तो हैपन और ये होना भी चाहिए क्यों क्योंकि जब तक वो स्टोन में था जब तक uh, जो Uh, uh, जो स्टोन है वो बलून के साथ अटैच था स्पीड जो थी 20 मीटर पर सेकेंड थी क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट लाइक सेम तरीके से हो रहा था ओके सो स्पीड वेलोसिटी जो है दोनों की सेम होगी अपोवर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बलून एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज गोइंग टू बी द सेम एट द मोमेंट व्हेन स्टोन ड्रॉट फ्रॉम द बास्केट ऑफ द बलून ओके okay. तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा सो so, देखो लाइक गाइज अगर मैं यहां पर जरा स्टोन अब ये जो स्टोन है अगर जब ग्राउंड पे फॉल होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये देखो मैं इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं गाइज तो इनिशियल हाइट तो क्या था इनिशियल पोजीशन 100 मीटर था फाइनल पोजीशन क्या हो गया जीरो सो वाट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है वो होगा आपका माइनस हंड्रेड मीटर ओके व्हाट कैन आई राइट हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी देखो मैं अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं ओके सो ट्वेंटी इंटू टी माइनस वन बाई टू इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर ओके सो माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी टी जी की वैल्यू फाइव ले टेन ले लें 5 स्क्वायर यहां से मैं ले लेता व्हाट आई गेट हियर? इज इक्वल टू सो ओके। दिस अब हमें इसको सॉल्व करके अपने आंसर को लाना है ओके मैं इसको सॉल्व करता हूं आई हैलकुलेटर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना आप आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद so, guys, देखो इसका जो एक आंसर आ रहा है मतलब t इज इक्वल टू देखो टू प्लस टू प्लस टू अंडर रूट सिक्स इस तरीके से आ रहा है इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो सो दिस विल बी बेसिकली सिक्स पॉइंट एट नाइन सेकेंड ओके इतना सेकेंड आएगा और दूसरा वाला जो आंसर है वो नेगेटिव होगा टी टू जो होगा दैट विल बी माइनस टू पॉइंट एट नाइन सेकेंड ओके तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं सो आवर आंसर विल सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट नाइन अप्रोक्सिमेटली सेकेंड बोल देते हैं ओके सिक्स पॉइंट नाइन सेकेंड सो वॉट टाइम टेकन टाइम टेकन बाई स्टोन टू रिच द ग्राउंड विल बी बेसिकली सिक्स पॉइंट नाइन सेकेंड अप्रॉक्स या फिर टू प्लस टू अंडर सिक्स ओके अब देखो अब क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड और हाइट क्या होगा तो देखो इतने सेकेंड में ये बलून कितना ऊपर जाएगा भाई सो सिक्स पॉइंट नाइन इंटू ट्वेंटी Into 20. या कितना हो जाएगा एक मिनट रुक जाओ सिक्स पॉइंट नाइन इंटू ट्वेंटी यहां से ये बेसिकली वन थर्टी एट मीटर ऊपर जाएगा ओके समझ रहे हो मतलब इतने सेकंड में ये डिस्टेंस टेबल मतलब गिरने के बाद में जो डिस्टेंस टेबल होगा सिक्स पॉइंट नाइन सेकेंड में वो कितना आएगा भाई वन थर्टी एट मीटर सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा भाई देखो ये वाला हंड्रेड वाला भी हमें क्या करना पड़ेगा ये जो हंड्रेड है हंड्रेड मीटर का हाइट उसको भी ऐड करना पड़ेगा सो टोटल हाइट टोटल हाइट ऑफ बलून इज टू थर्टी एट टू थर्टी एट मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ओके गाइज आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ओके okay. चलो अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रॉम द फुट ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर 90 मीटर हाई अ स्टोन इज थ्रोन अप सो वेस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द टावर टू सेकेंड लेटर एंड स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फाइंड वेन एंड वेयर स्टोन मिट्स समझ रहे हो तो बताना है कि स्टोन जो है वो कहां मिलेंगे ओके गाइज तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जा समझने की कोशिश करते हैं जैसे देखो ये एक टावर है देखो आप एक काम करो आप इसको भी ना लाइक इस नोट कर लो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो आप समझ लो आप इसको नोट करो इसको खुद से समझ सॉल्व करने की कोशिश करो और और आज जो आपका आंसर है उसको आप कमेंट करो किस फॉर्मेट में कमेंट करना लाइक इन दिस वे आंसर ट्वेल्व इज इक्वल टू ओके जो भी आपका आंसर उसको कमेंट करो चलो तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं देखो ये टावर है एक मैं एक टावर बना देता हूँ ओके okay. अब ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो बेसिकली 90 मीटर है यहां से ये जो लेंथ है यह लेंथ है बेसिकली 90 मीटर अब इसके फुट से मतलब इसके ये वाला जो पार्ट है हम इसको फुट बोलते हैं जो लोबेस्ट जो ये वाला जो पार्ट है दिस, ये, ये वाला जो पोजिशन है इसको फुट बोलेंगे इसके फुट से एक स्टोन फेंकते हैं अपोवर्ड डायरेक्शन में और वो इस तरीके से फेंकते हैं कि जस्ट इसके मतलब लाइक टॉप पर यहाँ पर रीच कर जाए समझ रहे हो हम इस तरीके से फिट फेंकते हैं कि स्टोन जो है वो यहां तक रीच कर जाए अब इसको फेंकने के दो सेकेंड बाद इसको फेंकने के टू सेकेंड लेटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड तो दो सेकेंड बाद हम यहां से एक स्टोन ड्रॉप करते हैं आफ्टर टू सेकेंड आफ्टर टू सेकेंड तो बताना क्या है कि फाइंड वेन एंड वेयर टू स्टोन मीट तो हमें यह बताना है कि ये जो स्टोन है ये ये जो दोनों स्टोन हैं वो कहाँ पर मिलेंगे और कब मिलेंगे वेन एंड वेयर टू स्टोन मीट्स समझ रहे तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक जो सबसे सिंपल जो तरीका है ये होता है कि लाइक हम इसमें जो रिलेटिव मोशन है उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं बट Uh, हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग uh, अभी रिलेटिव मोशन नहीं पढ़े हैं तो हम लोग जो जनरल अप्रोच है हम उस चीज का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओके okay. तो एक काम करते हैं लाइक uh, like सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लिया हम सॉल्व करते हैं तो देखो uh, हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि यहां पर ये किस स्पीड से ऊपर फेंका गया है ये जो बॉल है ना ग्राउंड से फुट से वो किस स्पीड से अपॉर्ड व्हाट इज द इनिशियल अपॉर्ड वेलोसिटी ऑफ बॉल जो स्टोन है मतलब जो स्टोन को ऊपर जो फेंका गया उसकी इनिशियलुष्टि क्या होगी वी हैव टू कैलकुलेट डेट तो देखो हमारे पास तीन इक्वेशन है वो तीन इक्वेशन क्या है वो तीन इक्वेशन ये है लाइक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच देन वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी देन एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस मतलब इस टाइप की इक्वेशन है अब इसमें और इक्वेशन लिखते टाइम लाइक कन्वेंशन क्या लिया गया है कि जो भी चीज अपवर्ड होगी दिस इज द पॉजिटिव और जो चीज डाउनवर्ड होगी दट इज द नेगेटिव ओके okay, कोई द्वानी लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गया विलोसिटी हो गया एक्सलेशन हो गया चलो तो देखो अब यहां पर जब ये ये जो बॉल है जब टॉप पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है जीरो हो जाती है जब ये बॉल यहाँ से जब ये टॉप पे पहुँचता है तो इसकी जस्ट वेलोसिटी जीरो होती है सो व्हाट कैन राइट हियर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच ओके हमें पता है लाइक यहाँ देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है लेकिन यहाँ पर जब इस हाइट ये इस हाइट पर जब पहुँचता है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यू इस जगह पे यू

मीटर पर सेकेंड ओके दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड अब अब मानते हैं लेट अस अज्यूम कि अब ये जो है लाइक ये जो बॉल है वो कहीं यहां पे, ये जो बॉल है कहीं इस जगह पे ये बॉल मिलता है और इसी जगह पे ये वाला बॉल भी मिलते हैं दूसरे से दोनों ओके okay, तो देखो लेटर दिस इज, दिस इज तो ये वाली ये वाली लेंथ क्या होगी भाई 90 माइनस एच वन चाहे एच कर देते हैं एच वन क्या मतलब कोई मतलब नहीं ओके okay, ये 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 जो हाइट है यहां से ये वाली जो हाइट है दिस तो ये वाली जो हाइट होगी दिस इज गोइंग टू नाइनटी माइनस एच और जो टाइम है लेटेस्ट लेटर टाइम टी है तो यहाँ तक पहुँचने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा भाई टी माइनस टू टू सेकेंड समझ लो टी माइनस टू सेकेंड सो वट कैन आई राइट हि वट कैन आई राइट हि एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या होगा एच इज इक्वल टू थर्टी अंडर रूट टू टी माइनस वन बाई टू ओके माइनस वन बाय टू क्या हो जाएगा ये जी न टेन टी स्क्वायर ओके और व्हाट कैन आई से लाइक नाइनटी माइनस एच पॉजिटिव होगा सो so, uh, मैं थोड़ा साइन पर ध्यान रख रहा हूं वन बाई टू टेन टी माइनस टू का होल स्क्वायर ओके सो गई देखो आप ध्यान से देखो यहां पर व्हाट कैन आई राइट हियर नाइन माइनस ये एच की वैल्यू क्या है थर्टी अंडर टू टी प्लस वन बाई टू टेन टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू टेन टी माइनस टू का होल स्क्वायर ओके सो बेसिकली व्हाट आई गेट यूर नाइन इज इक्वल टू थर्टी अंडर टू टी माइनस फाइव माइनस फाइव टी प्लस फाइव टी माइनस टू का होल स्क्वायर तो इसको जरा सॉल्व करते हैं गाइस What I get here, like thirty under root two t minus five t square plus five t square plus four minus uh, minus forty minus ninety is equal to zero. Okay. सो so, अब ध्यान से देखो ये फाइव टी स्क्वायर फाइव टी स्क्वायर कैंसिल हो गया वट आई गेट हीयर थर्टी रूट टू टी प्लस ट्वेंटी माइनस फोर्टी माइनस नाइनटी इज इक्वल टू जीरो ओके सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस्कली थर्टी रूट टू माइनस फोर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली सेवेंटी ओके वट इज द टी हियर टी इज बेसिकली लाइक अगर मैं यहां से टू कॉमन ले लू तो वट आई गेट हियर ये थर्टी फाइव हो जाएगा पंद्रह अंडर रूट टू माइनस टू ओके okay. सो so, ये दि, दि, दिस इज द सेकेंड अगर इसको हम सोल्व करें यह क्या आएगा तो रुक जाओ मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेता हूँ थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई पंद्रह टू माइनस टू तो भाई ये जो आएगा वन पॉइंट पॉइंट एट टू वन सिक्स सेकेंड और ये जो हम सब ने कैलकुलेट किया वो बेसिकली गलत है ओके आ, गलती हुई कहाँ से तो गलती यहां पर हुई है लाइक ये देखो ये फाइव इंटू फोर होगा तो यहां पर जो होगा वो बेसिकली माइनस ट्वेंटी होगा अब बात समझ रहे हो तो यहां पर क्या होगा अ माइनस ट्वेंटी ओके तो आ, हमने क्या कॉमन लिया था लाइक अगर हम इसमें टू कॉमन ले लें तो ये थर्टी फाइव पंद्रह और यहां पर क्या 10 आएगा बेसिकली टेन आएगा यहां पर क्या आएगा ये टेन आएगा अब गई अब इसको अगर हम सॉल्व करें इफ वी सॉल्व दिस तो हमें क्या मिलेगा अब मेरे को एक बार इसको सॉल्व करने दो तो 35 फाइव डिवाइडेड बाई पंद्रह अंडर रूट टू माइनस टेन यह जो आ रहा है हमारा आंसर यह आएगा बेसिकली 3.121 पॉइंट वन टू वन सेकेंड ओके तो क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड वेन एंड वेयर तो वेन का तो कितने कब ये मतलब लाइक दोनों कोलाइड करेंगे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे सो थ्री पॉइंट वन टू वन सेकेंड बाद मिलेंगे ओके okay, अब क्या है अब वेयर मतलब किस जगह पे तो वेयर के लिए इसका तो बहुत सिंपल ही आंसर है भाई लाइक यहां पर यहाँ तो हम लोग इसमें ये एच को यहां से कैलकुलेट करते हैं को क्या करते हैं हम यहां से कैलकुलेट कर देते हैं सो रुक जाओ देखो एच क्या आ रहा है हमारा थर्टी अंडर रूड टू थ्री पॉइंट वन टू वन का होल स्क्वायर होल नॉट होल स्क्वायर माइनस फाइव वन टू वन का स्क्वायर तो मेरे को इसको एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेने दो तो आंसर का स्क्वायर इंटू फाइव माइनस थर्टी अंडर टू इंटू देखो यहाँ पर भाई स्क्वायर नहीं होगा ओके अच्छा तो सो भाई so ये जो हमारा एच आ रहा है ये एच एच इज बेसिकली एटी थ्री पॉइंट सेवन वन थ्री मीटर समझ रहे हो तो ये ग्राउंड से कहां पर मिलेंगे यहां से ये जो एच की वैल्यू है वो बेसिकली एटी थ्री पॉइंट सेवन वन मीटर के आसपास में यहां से ये जो हाइट है दिस हाइट इज बेसिकली एटी थ्री पॉइंट सेवन वन मीटर सो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज आई होप कि ये जो मतलब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा ओके सो दैट्स ऑल गाइज आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल है होगा एंड गाइज इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल free online coaching and bhagwan study center thank you for watching have a nice day